अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना फैन स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पर एक स्माइल आए। सो गाइस, आज है ईद, तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और आप सबको भी मुझे ईद मुबारक बोलनी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ईद मुबारक। और आज मैं आपको दूंगा मेरी ईद के दिन का व्लॉग। तो चलिए व्लॉग तो शुरू करेंगे हम अब से, और आपको पूरे दिन का व्लॉग तो दूंगा ही दूंगा, और जो जो मैं करूंगा वो आपको बताऊंगा भी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अभी मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में एक चीज़ ईद के दिन तो सेम ही रहती है, जो है हमारी खीर। और आज मैं ब्रेकफास्ट में खाने वाला हूँ यहाँ पर खमंड, और खाने वाला हूँ समोसा, जो कि मेरा फेवरेट है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे खीर, क्योंकि ये घर पे बनाई है और मेरे को खीर सबसे पसंद है। सो गाइस, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है, मैं और पीऊँगा। वैसे तो ये सारी मेरी है। अभी मैं ट्राई करूँगा खमंड। सो गाइस, खमंड भी मेरे बहुत फेवरेट है, दैट्स व्हाई इसे मैंने चुना। चटनी के साथ खाऊंगा। ऐसे भी खाते देखते हैं। खमंड और समोसे बाहर से लाए हैं, खीर घर पे पकाया है। यू कैन बिलीव, बहुत टेस्टी है। और अब मैं ट्राई करने वाला हूँ इसके बाद समोसे। समोसा तो मुझे चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस, ये मैं खत्म करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया, बहुत ही टेस्टी था सब कुछ। तो चलिए अब देखते हैं हमें क्या करना है। सो गाइस, इट्स लंच टाइम, और लंच में मैं खा रहा हूँ कलेजी। तो दिखाता हूँ आपको, ये है कलेजी, और यहाँ रोटी और थोड़ा सा सैलड है। तो चलिए टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको कैसी बनी है कलेजी। मेरे को तो बहुत फेवरेट है मेरी कलेजी, अच्छी लगती है, मतलब मैं खाता हूँ। तो टेस्ट करते हैं और बताता हूँ कैसी बनी। गाइस, बहुत टेस्टी बनी है। और सुबह खीर मिली, खीर भी मेरी टेस्टी थी, फेवरेट थी। और अभी कलेजी भी मेरी फेवरेट है, और बनी भी ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए इसे खाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, लंच को मैंने ख़त्म कर लिया है, अब मैं वापस से खा रहा हूँ खीर, क्योंकि थोड़ी मिर्ची लग रही थी। तो चलिए खीर पीते हैं,
खीर तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बहुत खीर पीता हूँ ईद के दिन। अब खीर ख़त्म करने के बाद मैं जो भी करूँगा तब आपसे मिलूँगा। सो गाइस, इट्स टी टाइम। अभी मैं चाय पी रहा हूँ और आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइस के मेरे जितने भी ईद के व्लॉग है, सारे के सारे व्लॉग्स जो है उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ईद मुबारक करके। और अगर आपने ईद के व्लॉग्स मेरे पुराने वाले नहीं देखे तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ लिंक आ रहा होगा या नहीं, यहाँ पे ऊपर कहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। और हाँ गाइस, मेरे जो मतलब वो क्या बोलते हैं, मैंने एक सरप्राइज प्लान करा था आप सबके लिए, तो वो सरप्राइज भी रेडी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सरप्राइज गिफ्ट मिल सके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू वाला, उसकी भी लिंक यहाँ दे दूंगा, आप जल्दी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मैं चाय पीता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो गाइस देखिए, अभी शाम हो रही है और मैं बाहर घूम रहा हूँ थोड़ा, और मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक तो ये चीज़ उग रही है, ये एक तरह की बेल उग रही है, पता नहीं क्यूकुम्बर की शायद तक किसी की बेल है ये, तो इसको मैं रोज़ पानी डालता हूँ। और मैंने घर पे पोर्चुला उगाया था, मतलब बाहर से कटिंग लाके, तो ये देखिए कितना बढ़िया हो चुका है। और जैसे कि आप जानते हो पोर्चुला के अंदर सुबह वो फूल निकलते हैं और रात होते होते बंद हो जाते हैं, तो अभी भी थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आपको उसमें फूल। ये देखिए, ये फूल अभी बंद हो रहा है, ये बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, ये भी बंद हो चुका है, और ये भी अभी मतलब ऐसे झुक गई है, वरना मतलब ये देखिए ये अपने अंदर बंद हो जा रही है, शाम होते ही मतलब इनका बंद होना चालू हो जाता है। और देखिए यहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो रही है, जब भी बरसात आती है, मैंने आपको पिछले ईद के व्लॉग में बताया था कि जब भी यहाँ पे बरसात होती है बिल्कुल घास उग जाती है, आपको दिख रही होगी। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी या फिर आपने कोई वीडियो चूक गए हो देखना, मतलब मिस हो गया आपसे वो वीडियो देखना, तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के ऊपर, वहाँ पे मैंने सारे वीडियो को कैटेगराइज्ड कर रखा है, तो आपको मेरे वीडियो ढूंढने में आसानी होगी। और हाँ, जैसे मैंने बोला ईद का जो ईद की प्लेलिस्ट है वो तो ऊपर आई गई, और मैंने सरप्राइज गिफ्ट की भी प्लेलिस्ट मतलब वो वीडियो की ऊपर लिंक दी गई है, आई बटन में है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा उन दोनों को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब और देखते हैं क्या करना है। और हाँ गाइस, आज जो मैंने कुर्ता पजामा पहना था वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये हमारा बकरा है, ऐसे सेम टू सेम दो बकरे थे हमारे, एक किससे बड़ा था तो उसकी आज हमने कुर्बानी करी है, और इसको आज नहीं करा, इसको पता नहीं कब करेंगे। ये देखिए गाइस, इट्स डिनर टाइम। और डिनर में मैं खाने वाला हूँ कोरमा। हियर इट इज गाइस,
सो डिनर में कोरमा खाने वाला हूँ। कोरमा मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेवी होती है वो थिक होती है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा बना है कोरमा। तो आज ईद थी इसलिए सारे के सारे मतलब फूड्स हमारे नॉन वेज थे, वरना एक दिन में इतना नॉन वेज तो मैं नहीं खा पाऊँ, लेकिन आज तो ईद थी दैट्स वाई हमारे यहाँ बनता भी है। इट इज सो टेस्टी गाइस। तो चलिए ये खाता हूँ और आपसे मिलता हूँ। सो गाइस आफ्टर ईटिंग द डिनर इट्स डेजर्ट टाइम, और डेजर्ट में मैं खाने वाला हूँ बादशाही राजभोग कुल्फी। तो चलिए इसे ओपन करते हैं एंड खाते हैं इसे। मेरी ये कुल्फी सबसे फेवरेट है इसलिए मैंने आज ये मंगाई। सो गाइस ये कुल्फी तो मैं खाता ही रहूँगा। तो गाइस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, पास वाले बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशन ज़रूर पाइएगा। कमेंट में बताइएगा मेरे ड्रेस कैसा लगा आपको और आज का व्लॉग कैसा लगा। और हाँ गाइस जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो ताकि आपको आपका गिफ्ट मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।